तो भाई लोग क्या हालचाल आपके जवान भाई। जवान ने इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए कि किसी ने सोची ना होगी। जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तभी पता चल गया था कि बॉक्स ऑफिस उधड़ने वाला है एंड ये साल बॉलीवुड का काफी सही है। जी हाँ, पहले OMG 2 एंड फिर गदर 2 और अब आप जवान की कलेक्शन सुनोगे ना तो आप भौचक्के रह जाओगे कि दो तीन दिन के अंदर कोई मूवी आखिर इतना कलेक्शन कैसे कर सकती है। दोस्तों, शाहरुख खान की ये मूवी जवान, इसका बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है। एंड दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान, जिसने एडवांस बुकिंग के अंदर 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, किसी भी मूवी ने ऐसा नहीं किया था। और दोस्तों, जहां पर बॉयकॉट के नारे चल रहे थे, जहां पर भाई साहब बुरा हाल था बॉलीवुड का, वहीं पर वही SRK की पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर दिया था। हर एक बंदा का मतलब यहां तक पहुंचने का सपना था, रिकॉर्ड किसी पे नहीं टूटा। मगर भाई फिर शाहरुख खान की मूवी आई, यानी कि शाहरुख खान ने शाहरुख खान का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, तभी तो इन्हें किंग खान बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जवान मूवी ने एडवांस बुकिंग के अंदर पूरे 51 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, ये है भाई साहब इनका रुतबा, यानी कम स्क्रीन पर रिलीज हुई थी पठान के मुकाबले। एंड वहीं पर इसका नेट इंडिया कलेक्शन होता है डे वन का 75 करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है एंड बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। 10 करोड़ भाई ये साउथ इंडिया की तरफ से होता है एंड ये पहली ऐसी मूवी है जिसने पहले दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया है साउथ इंडिया से। एंड दोस्तों, हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें पहले दिन की, तो वो होता है भाई 129 करोड़। भाई 129 करोड़ की ओपनिंग ले ली भाई साहब, ये बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कौन मूवी भाई पहुंच सकती है इनके करीब जो पहले दिन 129 करोड़ कमाए, गदर को भी पीछे छोड़ दिया। एंड भाई साहब, दूसरा दिन भाई वर्किंग डे होता है एंड दूसरे दिन लोग काम पर थे मगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा पैसे कमाए। जी हाँ, दूसरे दिन नेट इंडिया से 55 करोड़ का कलेक्शन किया मूवी ने। जी हाँ, 55 करोड़ और वर्ल्ड वाइड दोनों दिन का मिलाकर होता है 230 करोड़। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है। और तीसरे दिन का अगर मैं आपको कलेक्शन सुनाऊंगा ना, तो भाई हेटर्स की जलकर राख हो जाओगी। आप बोलोगे कि भाई कैसे कोई मूवी 3 दिन के अंदर इतना कलेक्शन कैसे कर सकती है। और दोस्तों, अभी तक तो रात के शोज काउंट भी नहीं हुई है, सिर्फ 3 दिन के हुए और दोपहर के, और वहीं पर भी आग लगा दी। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन में मूवी ने कितना कलेक्शन किया है। तो तीसरे दिन नेट इंडिया से 75 करोड़ और अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो वो होता है 360 करोड़ रुपए। जी हाँ, 360 करोड़ 3 दिन के अंदर। हर कोई हैरान है भाई कि कोई मूवी 3 दिन के अंदर इतना कैसे कलेक्शन कर सकती है। भाई फाड़ डाला, भाई फोड़ डाला, भाई मतलब तबाही मचा दी, आग लगा दी भाई साहब। कैसे? तभी तो भाई साहब इन्हें किंग खान बोला जाता है। भाई साहब मूवी को तोड़ा देते हैं भाई, ना ही कोई प्रमोशन किया, इक्का दुक्का इवेंट किया, भाई फाड़ डाला एंड ऐसे ही कलेक्शन करती रही तो 500 करोड़ के क्लब में तो भाई 3-4 दिनों के अंदर ही शामिल हो जाएगी एंड 1000 करोड़ के क्लब में हफ्ते में। तो सोचो भाई, हफ्ते में और ये कितना कमाएगी, महीने में और कितना कमाएगी, और SRK की मूवी तो कई महीनों तक कमाती है। हर जगह SRK का डंका बज रहा है, हर जगह किंग खान का डंका बज रहा है। दोस्तों भाई, इतना प्रमोशन भी नहीं किया और भाई इतना सारा कलेक्शन, भाई साहब जहां पर इस उम्र में एक्टर रिटायर होती है, ये भाई धड़ाधड़ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए जा रहे हैं भाई साहब। कोई भी एक्टर इनके करीब नहीं पहुंच सकता, ये लास्ट सुपरस्टार है, इन्होंने कहा था भाई साहब। मास रिएक्शन वगैरह एक ही मूवी में दिखा दिया सब कुछ, इसलिए डिजर्व करती है। अब ये मूवी एग्जैक्ट रुकेगी कहां पर, ये किसी को नहीं पता। बस ये आपको क्या लगता है और कितना कमाएगी?